हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। मैं तुम्हारा सद्गुरु भाई। जैसे कि आप वीडियो पूरी देखेंगे और आ जाइए, आज आप सारे वीडियो आधी मत देखना और स्किप मत करके देखना, वीडियो पूरी देखोगे तभी आपको पता लगेगा डंडे पे पत्ती किस तरीके से लगाई जाती है। ये हमने डंडे पे पत्ती रख दी थी और जो कि हमने इस पर शिकंजी द्वारा इसे दाब कर चोटें मारकर हमने इसे वेल्डिंग करना जारी कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं मिग वेल्डिंग हो रहा है इस पत्ती पे CO2 वाला, जो कि अब हमने यहाँ साइड से वेल्डिंग कर दिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इस पर हमें अब चोटें मारकर इस पर इसे मिलाना होगा जिससे कि ये पत्ती इससे चिपक जाए डंडे से, जिससे कि डंडा जो इसमें नरम है वो इसकी सपोर्ट उसे मिल जाए जिससे हैवी रहे। जैसे कि देख पा रहे हैं आप, दूसरी तरफ से हमें इसमें चोट मारनी है। ये मैंने अब घन उठा लिया है, अब इसमें मैं चोट मारनी शुरू करूँगा और ये चोट मारनी शुरू करी मैंने और यहाँ से चोट लग रही है इसमें और चोट लग के पत्ती नीचे से मिल रही है जैसे कि आप देख रहे हैं, डाउन हो रही है वहाँ से, तो पत्ती वहाँ से फोल्ड हो जा रही है और चोट मार मार के जिससे कि, और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर वेल्डिंग करेंगे। और हमारे मुल्ला जी जो हैं ये बता रहे हैं कि किस किस जगह पे हमें चोट मारनी है। थोड़ा आप ये भी देख रहे होंगे, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से पकड़ लिया है जिससे कि वो नीचे की तरफ ना जाए और वेल्डिंग सही डायरेक्शन में, सही अकॉर्डिंग, सही लाइन में हो जाए। आप देख सकते हैं वेल्डिंग चल रहा है, हो गया है। अब हम इसकी शिकंजी खोलनी होगी, शिकंजी हमने खोल ली है, खोल कर अब इसे हमें आगे की तरफ लगाना होगा। ये यहाँ पर अभी हमने यहाँ पे लगा दिया है इसे और नीचे इसमें लॉक लगाएंगे। जैसे कि लॉक लगाने के बाद इसे टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद फिर से हम इसमें चोट मारेंगे, जो कि पत्ती साइड से उठी हुई है वहाँ मिलानी होगी हमें। आप देख सकते हैं कि जैसे हम अब पत्ती पे चोट मारेंगे, चोट मारने के बाद पत्ती वहाँ से मिलेगी, फिर उस पर वेल्डिंग होगा। देखिए अब ये हमने घन उठा लिया है, घन पड़ली साइड पड़ा है, अब लेने जाएंगे हम घन को, वहाँ से उठाएंगे फिर हम उस पर चोट मारेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं घन हमने उठाया और ये चोट इसमें मारने के लिए मुल्ला जी को साइड में किया जिससे कि मैं वहाँ चोट कंफर्टेबल होकर मार सकूं और ये चोट मारनी शुरू कर दी। आप देख सकते हैं जैसे कि चोट काफ़ी तेज़ी से लग रही है और पत्ती मुड़ती जा रही है लगातार, आप देख पा रहे हैं पत्ती मुड़ गई है इसकी काफ़ी। और ये देखो मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ की है जिससे कि आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप देख पा रहे हैं जिससे कि इसमें पत्ती मुड़ चुकी है। अब हमारे मुल्ला जी इसमें वेल्डिंग करना शुरू कर देंगे और ये वेल्डिंग शुरू हो गया जिसमें मैंने सपोर्ट लगा दी, इससे कि वेल्डिंग की चमक जो है मेरी आईज़ में ना लग जाए इसलिए मैंने सपोर्ट लगा के मैं साइड हो गया था, पहले तो थोड़ा सा वेल्डिंग था इसलिए। अब इधर से मैं यहाँ पत्ती मिलानी होगी, देख सकते हैं यहाँ पत्ती मिल रही है इधर से भी, ये दोनों साइड से पत्ती मिल गई है और ये पत्ती देखिए आप मिल चुकी है, नीचे डाउन हो गई है। और इसी तरीके से हमें चोट इसमें लगातार मारनी पड़ती है जिस वजह से ये पत्ती नीचे बिल्कुल डंडे से मिल जाए। और जैसे ही हम इसमें पत्ती मिला देते हैं और फिर वेल्डिंग करने के लिए आसानी हो जाती है, फिर हम इसमें मिग वेल्डिंग CO2 वाला कर देते हैं। जैसे कि थोड़ी देर बाद मैं चोट मारा था, अचानक देखा फिर घन का जो जिस्ता है वो टूट गया। ये क्या हुआ, ये ज़्यादा चोट लगातार मारने का नतीजा है तो अब जिस्ता टूट गया है, अब हमें घन दूसरा लाना होगा। अभी जिस्ता नहीं था इस वजह से हम घन फिर दूसरा ले आए, दूसरा रखा हुआ था जिससे कि अब इसे पत्ती मिलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब कि पत्ती मिलाई गई है दूसरे घन से, जो कि पहला चोट मारते मारते टूट गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि समय काफ़ी बार टूटा है वो, काफ़ी 3-4 डंडे या 5 डंडे बाद उसका जिस्ता जो है टूट जाता है, 15 से 20-25 दिन बाद जिस्ता टूट ही जाता है क्योंकि लगातार चोट अगर चलती रहे तो, निकालने को 1 महीना भी निकाल देता है, बाकी कह नहीं सकते। अब जैसे कि आपने देखा पत्ती पे वेल्डिंग हो रहा है, मिग वेल्डिंग, और ये काफ़ी तेज़ी से करा जा रहा है वेल्डिंग।
और ये रेडनेस आपको दिखाई दे रही होगी इसकी वेल्डिंग की। और पत्ती को टाइट किया जाता है और इसके बाद फिर हम पत्ती को टाइट करने के बाद फिर आपको पता ही है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि पत्ती को हमने मिलाना है। यहाँ से पत्ती जैसे मिल जाएगी फिर सब वेल्डिंग होगा। ये मैं पत्ती को मिला रहा हूँ फिर से दोबारा से, आप देख पा रहे हैं कि जैसे पत्ती मिलाई जा रही है। डंडे पे पत्ती लगानी बहुत ज़्यादा ही टिपिकल का काम है, आपको पता ही है, क्योंकि इसमें चोटें का काम ज़्यादा है, क्योंकि चोट बहुत ज़्यादा मारनी पड़ती है जिस वजह से पत्ती इसमें मिलती है। चोटों के द्वारा ही पत्ती इसमें मिलाई जाएगी, और कोई तरीका नहीं होता जो हम पत्ती को मिला दें जिससे एक्यूरेसी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो हम पत्ती को मिला देते हैं फिर उसमें मिग वेल्डिंग मार देते हैं। आप देख पाएंगे कि हमने सिकंजी निकाल के बाहर की तरफ लगा ली है और ये टाइट कर दिया पूरा। अब यहाँ से चोट मारने का प्रोसेस शुरू हो चुका है और ये इधर से भी हमने वेल्डिंग का काम शुरू कर दिया है। ये अब हम लोकेशन चेंज करेंगे इसकी, जिससे कि चोट मारने के लिए मुझे थोड़ी आसानी हुई, क्योंकि कैमरा मैंने इधर रखा हुआ था, जो कि लोकेशन चेंज करने के बाद हमारा जो कैमरा है वो इधर आ गया है अब, जैसे कि आप देख पाएंगे। और चोट का काम जारी हो चुका है, आप देख पा रहे हैं चोट पे चल रही है लगातार। पत्ती मिलाते हुए घन भी टूट जाता है, आपने देखा है, बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें पत्ती मिलानी पड़ती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये काम हो गया है, पत्ती का मिल चुका है, पत्ती का काम फाइनल हो गया है। मुझे लगता है वेल्डिंग का काम रह गया है सारा, बस शायद थोड़ी सी पत्ती आगे से रह गई है मिलाने के लिए। तो पानी लेके आया था मेरा ब्रदर मेरे लिए, मुझे प्यास लग रही थी, मैंने पानी पिया और इसके बाद अब मेरा ब्रदर कह रहा है कि चलो कोई नहीं, अब चोट मैं मारूंगा, अब इस पे चोट मारने के लिए तैयार है मेरा ब्रदर। और आप देख सकते हैं चोट मारने के लिए तैयार हो गया है और ये चोट लग रही है। और ये मेरे भाई ने ये चोट मार के इसे पत्ती को मिला दिया है। मैं अभी पानी पी रहा हूँ क्योंकि मेरा गला सूख गया था, काफ़ी देर से मैंने पानी नहीं पिया था, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और मुल्ला जी भी हमारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पत्ती मिले और कब ये वेल्डिंग करें। बस अब ये पत्ती मिल गई है, शिकंजी खोलेंगे थोड़ी देर बाद। और इसमें शिकंजी खोलने के बाद मिग वेल्डिंग करेंगे, फ़िलहाल पहले वेल्डिंग होगा उसके बाद सी शिकंजी हम खोल देंगे। देखिए जैसे वेल्डिंग जारी हो चुका है, आप देख पा रहे हैं वेल्डिंग चल चुका है इसमें, और वेल्डिंग हो रहा है, और वेल्डिंग होते ही हम इसकी शिकंजी खोल देंगे। और शिकंजी खोलने के बाद इसमें, और ये हमने शिकंजी खोल दी है जैसे कि आप देख रहे हैं शिकंजी खुल चुकी है। और आखिरी में थोड़ी सी ये पत्ती की कन्नी रह गई थी जो शिकंजी की वजह से हम चोट नहीं मार सके, और ये ही बस फाइनल है। और इसके बाद पत्ती का काम फाइनल हो जाएगा हमारा, फिर इसमें वेल्डिंग ही रह जाएगा, वेल्डिंग ही हो ही गया है सारा एक तरीके से देखा जाए तो, जरा सा ये वेल्डिंग रह गया है। और ये वेल्डिंग करते ही पत्ती का काम फाइनल, डंडे पे पत्ती रेडी हो गई है। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि डंडे पे किस तरीके से पत्ती लगाई जाती है, और मैं आप सबसे यही कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि चैनल को आगे प्योरिटी मिले बढ़ने के लिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा सब भाइयों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो देखें पूरी, और उसमें आपको ये पता लगेगा। और हमारी वर्कशॉप पे भी आएँ, अगर आपको किसी काम की कोई समस्या है हम उसका हल भी करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा, आप उससे मुझे संपर्क कर सकते हैं।